गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम हीरो होंडा करिज्मा आर इसके ऊपर काम करने वाले और टॉपिक है डिस्क पैड चेंज करने हैं, तो कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा और ब्रेक ऑयल भी चेंज करना है, तो प्लीज एंड तक वीडियो देखना स्टेप बाय स्टेप है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अभी हमें बोल्ट ओपन करने से पहले ये जो नट से या बोल्ट आप इसे ओपन कर लेना, और ये खोलने के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, अगर आपसे नहीं खुलते तो इसे चोट मार के भी खोलना की जरूरत पड़ सकती है। सो मैंने बहुत ट्राई किया पर ये निकल नहीं रहा, चाहे से अंदर से स्लिप है, ये टूटा हुआ चाहे से मुझे लग रहा है। तो अभी ये 12 मिलीमीटर के जो दो बोल्ट्स है इसे ओपन कर लेंगे और फिर से देखेंगे, एक तो हो गया पर ये नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा तो इसके वजह से हम ये खोलेंगे और फिर चेक करेंगे। तो फाइनली ओपन हो गया, तो अंदर के जो थ्रेड्स है वो ख़राब हो गए हैं, तो अभी एलिंकी है तो एलिंकी से ओपन कर लेंगे हम। चलिए, तो ये 5mm की एलिंकी है, तो 5mm की एलिंकी से जो बोल्ट्स है एलिंकी बोल्ट्स वो ओपन हो जाएगी। तो अभी दो 12mm के बोल्ट्स को ओपन कर लेंगे हम। तो अभी हमें एलिंग की बोल्ट को निकाल लेना है जो हमने पहले लूज करके रखे थे। तो अभी ये ब्रेक पैड निकल गए हैं, सो आप देख सकते हो कितना ड्राई हो गया है। तो ये रहे ब्रेक पैड, तो देख सकते हैं आप खत्म है पूरे, बहुत ही कम जगह है, तो अभी इसे चेंज कर देंगे। तो अगर आपका भी ये बोल्ट नहीं निकलता तो थोक पिटते समय, मतलब आपको अगर हिट करना है इस चीज को, तो प्लीज आप 12mm के बोल्ट फुल टाइट करके हिट करना है, तो डिस्क प्लेट खराब हो सकती है इसके वजह से, अगर ये बेंड हो गई तो बहुत मोटा खर्चा हो सकता है। तो प्लीज कुछ खोलना है तो पहले ये टाइट कर लो और फिर खोलना, अगर ये नहीं निकलते दो बोल्ट इसके लिए, ठीक है। तो अभी निकालेंगे, चलो। तो अभी हम ये बोल्ट लूज कर लेंगे, नट सॉरी बोल्ट नहीं। तो अभी जितना हो सकता है उतना मैंने क्लीन कर लिया ऊपर ऊपर से, और मैंने थोड़ा जो नया ऑयल था वो डाल के फिर से ऊपर से क्लीन कर लिया, क्योंकि पिस्टन ज़्यादा ड्राई नहीं रहना चाहिए इसके वजह से, तो ठीक है। तो अभी अंदर जहाँ पिन बैठती है इसे भी क्लीन कर लेंगे, और बाद में थोड़ा ग्रीस लगा देंगे, और इसे भी क्लीन करना है। और ये रबर ख़राब हो गए पर मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है, तो बाद में मैं ला के इसे डाल दूंगा। तो अभी डिस्क कैलिपर को मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लेता हूँ, तो कैलिपर और जो माउंटिंग है इसे क्लीन करने के बाद फिर आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पिन लगती है वहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगाना है,
और मैंने पुराना वाला ही रबर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं इसकी वजह से। तो अभी और अच्छे से आपको भी चेक कर लेना है। तो अभी बारी ये छोटी वाली पिन की, तो इसको भी हम ग्रीस लगा देंगे। तो अभी हमने दोनों भी सिलेंडर अंदर पुश कर दिए हैं, वो भी सी क्लैंप के मदद से, ठीक है। और अभी हम ब्रेक पैड इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहले माउंटिंग को लगा देंगे। तो ये न्यू वाले ब्रेक पैड से अभी इसे इंस्टॉल करेंगे हम। आप देख सकते हो कंपनी। तो सबसे पहले इस साइड का लगेगा, दूसरी साइड का, और फिर इसके बाद में पिन लगेंगी जो कि ये वाली। कितना पुराना ऑयल है और एकदम गंदा काला, और जो इसे एक नट था स्क्रू वो जल्दी ओपन नहीं हो रहा था, तो इसे ठोक पीट के ही निकालना पड़ा। पहले से स्लिप था इसकी वजह से। तो अब इसे चेंज कर लेते हैं। तो अभी ऑयल डल गया, तो हमने अभी ऑयल नया फिल कर दिया, कैप भी लग गई, नया स्क्रू भी लगा दिया जिसके आप देख सकते हो। तो हमारी गाड़ी ओके हो गई है। पिछले वाला ब्रेक भी चेंज करना है, पर उसे हम बाद में चेंज कर देंगे ऑफ द कैमरा। तो अभी काम तो हो गया है। मीन्स अगर आपका बाइक का काम हो गया है डिस्क ब्रेक का, तो बाइक जल्दी से वॉश कर लो, क्योंकि ब्रेक का काम होने के बाद आप बाइक का वॉश करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेक ऑयल है अगर वो कलर प्लास्टिक पार्ट या मेटल पार्ट पे गिरता है तो कलर को डैमेज कर देता है, खराब कर देता है। तो इसके लिए तो जब भी ऑयल गिरे तो उसे क्लीन कर लेना और पानी से वॉश कर लो। तो पिछले वाला ब्रेक भी चेंज करना है, पर वो बाद में हम चेंज कर देंगे, वो उसका वीडियो शूट नहीं करने वाले। तो सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।